मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में गुरुवार को महाकाल मंदिर में उस वक्त खलबली मच गई जब एक महिला बुरखा पहनकर बाबा महाकाल के दर्शन करने महाकालेश्वर मंदिर पहुंच गई। उसे देख सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए। जब सुरक्षाकर्मियों ने महिला से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह जिन के आदेश पर मंदिर में आई है। इसके बाद तैनात पुलिस ने उसे दर्शन कराए। महिला जैसे ही महाकालेश्वर मंदिर पहुंची और बुरखे में देख लाइन में लगे लोग और भक्त हैरान हो गए। लोगों की सुरक्षा के लिए वहां तैनात पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की नजर भी उस पर पड़ी। उन्होंने महिला को उसी जगह रोक दिया जहां वह खड़ी थी। उसके बाद महिला से पूछताछ की जाने लगी। इसी बीच ये मामला मंदिर समिति अधिकारियों तक पहुँच गया। अधिकारियों को महाकाल के दर्शन की अनुमति दे दी गई। इसके बाद पुलिसकर्मी महिला को अंदर लेकर गए। बताया जाता है कि बुरका पहनकर महाकालेश्वर मंदिर आने वाली महिला मुस्लिम नहीं थी। उसका नाम लक्ष्मी था। महिला राजस्थान के भीलवाड़ा की रहने वाली थी। उसके साथ उसकी मां और उसके पिता डालचंद भी दर्शन करने के लिए आए थे। पुलिस ने दर्शन कराने से पहले सभी की जांच की और पूछताछ के बाद उन्हें दर्शन कराए। मंदिर परिसर में तैनात महाकाल थाना प्रभारी मुनिंदर गौतम ने बताया कि लक्ष्मी से लंबी पूछताछ की गई। उसके बुरखा पहनकर मंदिर में दर्शन करने की वजह जानकर वह भी हैरान रह गए। उसने कहा कि जिनके आदेश पर वह बुरखा पहनकर महाकाल मंदिर आई है। हालांकि महिला के माता पिता ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लक्ष्मी कई दिनों से बुरखा पहनकर महाकाल मंदिर में दर्शन करने की जिद कर रही थी। उसकी इच्छा पूरा करने के लिए परिवार उसे इसी गेटअप में मंदिर लेकर आया था।